और फिर अब सवाल हम लेते हैं यूको बैंक के बारे में। बैंकिंग सेक्टर पर आज हमने काफ़ी बात की है, लेकिन ये छोटा बैंक अपने सेक्टर का, 1,000 शेयर हैं अमित सैनी जी के पास, और ये जानना चाहते हैं 42 पे खरीद रखा है, 50 कब तक जाएगा? जब इसका मन करे। अभी फिलहाल ऐसा है कि 44 के ऊपर ही ये आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। कोई खराबी नहीं है अभी तक स्ट्रक्चर में, कोई भी खराबी नहीं। ओके, और ये सब ट्रेड कैटेगरी के ही स्टॉक आप रखिएगा, बहुत खरीद के सो जाने वाला स्टॉक नहीं रहना चाहिए। अभी तक इसमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन 44 के पहले मैं आपको किसी भी तरह से नहीं कह सकता कि इसका बॉटम फॉर्म हो गया है। जस्ट इन केस अगर 44 निकल गया तो फिर आप मान के चलिएगा थोड़ा नीचे रहेगा, बट अराउंड 30, 35 से 37 के रेंज में इसका डिफाइंड बॉटम हो जाएगा। वैसे टाइट बॉटम तो आपको ये 40 के पास ही, 39, 40 पे ही मिल जाएगा, लेकिन जो अच्छा बॉटम डिफाइन होगा वो 36 ± 50 पैसा, 1 रुपये, वो सबसे ज़्यादा अच्छा डिफाइन होगा। लेकिन ये सब तब एडवेंचर करना है जब ये 44 निकल जाए, और उस समय हो सकता है कि आपका 50 का सपना पूरा हो जाएगा। जी, लेकिन ये तो 42 पर खरीद के बैठे हुए हैं ना ऑलरेडी पहले से। हाँ, तो फिर प्रार्थना करें कि 44 निकल जाए। जी, उस हिसाब से कहीं स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस तो पॉकेट के हिसाब से देखिएगा, क्योंकि अगर बहुत ही कंजर्वेटिव है तो 39 के नीचे लग जाना चाहिए, और अगर एग्रेसिव है तो 35 के आसपास तक भी वेट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका पॉकेट क्या अलाउ करता है। जी,